संत जी का एक ही विजन है, जनता की सेवा जी। जब सेवा करते हैं तो जनता अपने आप जिताती है। पिछले दो महीने के कई उपचुनाव देखो आप, लोकसभा का, विधानसभा का, नगर पालिका का, नगर पंचायत का, इनके परिणामों को आप ध्यान से देख लो तो यही 2018 में आने वाले हैं। कांग्रेस की आज जो हालत है वही 2018 में रहने वाली। हमें किसी की फूट का फायदा लेने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। हमको भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ताकतवर और सशक्त नेतृत्व है। सशक्त भारत यूपी की जनता निश्चित रूप से चाहेगी। पिछले 10 सालों के ये दोनों सरकार सपा और बसपा से वहाँ की जनता आज ही जा चुकी है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ा है, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्तर प्रदेश की बनी है, वो इस बात का द्योतक है कि वहाँ के लोग शांति चाहते हैं। वहाँ के लोग मध्य प्रदेश जैसा राज चाहते हैं। मध्य प्रदेश जिसकी विकास ग्रोथ रेट डबल डिजिट पर है, जिसकी कृषि ग्रोथ रेट 24% से ऊपर है। हम एक बार अगर तुलना मध्य प्रदेश से करें तो इन 10 साल पहले माननीय शिवराज सिंह जी आए थे जब सपा और बसपा की सरकारें थी, और उत्तर प्रदेश में सरकार आई थी ना, वहाँ बिजली थी, दिग्विजय सिंह ने यहाँ भी नहीं छोड़ी थी। यहाँ बिजली कभी कभी आती थी, उत्तर प्रदेश में भी बिजली कभी कभी आती थी। आज उत्तर प्रदेश में बिजली आज भी कभी कभी आती है, यहाँ कभी कभी जाती है, इतना अंतर आ गया। बड़े अंतर सामने हैं और इसलिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी।